गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। मैं विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट उठाया हूं, जिसमें से जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2021 के, उसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो ओवरमैन के एग्जाम, सेकंड क्लास के एग्जाम और फर्स्ट क्लास के एग्जाम के साथ साथ जो माइनिंग सरदार की एग्जाम है उसमें पूछी जा सकती है। दोस्तों, माइनिंग सरदार ओवरमैन की जो एग्जाम है उसमें सामान्य और डायरेक्ट स्टेच्यूट से रिलेटेड करते हुए वो प्रश्न पूछी जाएगी दोस्तों, लेकिन उसी को ट्विस्ट करके जब फर्स्ट क्लास के एग्जाम में पूछना होगा तो पूछेगा दोस्तों। अब हम लोग ये जो पांच प्रश्न था उसकी चर्चा कर लिए थे, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको चलिए पढ़ते हैं। जो विनिंग एंड वर्किंग फर्स्ट क्लास पोल अनरिस्ट्रिक्टेड के एग्जाम में 2021 में डीजीएमएस के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। टेकिंग शेल्टर के संबंध में पूछा है, टेकिंग शेल्टर व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस दैट इज कॉल्ड द ज्वाइनिंग फेसेस। यहां पर कहता है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको ज्वाइनिंग फेस का डेफिनेशन आपको याद रखना होगा दोस्तों। ज्वाइनिंग फेस क्या होता है? ज्वाइनिंग फेस यानी अंडरग्राउंड माइंस में दो फेस चल रही हैं, एक फेस ये चल रहा है और दूसरी फेस ये चल रहा है। अगर इसको कहें हम लोग चार लेबल ईस्ट और इसको कहें चार लेबल वेस्ट, ये इस तरीके से फेस चल रहा है। तो जब ये दोनों फेस 9 मीटर से कम अंतराल में, इंटरवल में आ जाते हैं, 9 मीटर से कम अंतराल में आ जाते हैं तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्वाइनिंग फेस कहेंगे दोस्तों। इस संबंध में ज्वाइनिंग फेस की डेफिनेशन जैसे ही आती है तो ये आपको बात याद रखना चाहिए, जिसका कोल माइंस रेगुलेशन 196 का 6वें नंबर सब रेगुलेशन में मेंशन किया है दोस्तों। याद रखिएगा, 196 यानी टेकिंग शेल्टर, 196 यानी टेकिंग शेल्टर, जो कि जिसके सब रेगुलेशन 6 में किसकी बात की है? ज्वाइनिंग फेस की बात कहती है। आपको ये डिफाइन करना होगा माइनिंग सरदार के दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसा दो फेस जो 9 मीटर के इंटरवल पर रहते हैं या उससे कम इंटरवल पर रहते हैं ज्वाइनिंग फेस कहलाते हैं दोस्तों। इसी तरह से फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट, सेकेंड क्लास वाले स्टूडेंट भी उसको याद रखेंगे। अब इसमें आपको प्रिकॉशंस क्या लेने के लिए बोलता है दोस्तों, तो इसमें जो है कानून में कहा है कि एक फेस में अगर आप ड्रिलिंग करा रहे हैं, चार्जिंग करा रहे हैं, तो ड्रिलिंग के बाद चार्जिंग करने के पहले आप यहां से सभी वर्कर को, इसके सीधे से आप सभी वर्कर को हटा लेंगे और ये जो अपना जितने कामगार हैं सबको हटा लेंगे, इधर कर लेंगे, इसके सीधे में कोई भी आदमी नहीं रहेगा और यहां पर जो है आपको फेंसिंग करनी होगी दोस्तों, सब आदमी को बाहर निकाल करके फेंसिंग करनी होगी। ये फेंसिंग करने की जिम्मेवारी जनरली माइनिंग सरदार की रहती है और इसके सीधे से आप सभी आदमी को बाहर करके फेंसिंग करना है। अब यहां पर आप चार्जिंग करने का काम आप करिएगा और चार्जिंग करने के बाद जो हम लोग का ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम है उसके तहत इसको ब्लास्टिंग करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो कि जिसकी चर्चा, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए बहुत जरूरी है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम, वो उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये हो गई ज्वाइनिंग फेस जिसके संबंध में इसमें पूछा है दोस्तों। तो ये तो हो गई किसकी बात? 196 रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 6 की रेगुलेशन, इसकी चर्चा कर लिए दोस्तों। इसी में 196 में ही आपको जो इम्पोर्टेंट है दूसरा का बी पॉइंट, जिसके की नंबर है 500 मीटर, ये क्या कहता है दोस्तों 196 का 2 का बी? ब्लास्टिंग एरिया जो ओपन कास्ट में रहती है, ब्लास्टिंग एरिया, ये मान के चलिए ब्लास्टिंग एरिया है जिसमें नंबर ऑफ होल लगे हुए हैं, इस ब्लास्टिंग एरिया के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जहां से यहां से भी लें तो ये जो डिस्टेंस होगी 500 मीटर होगी, यहां से भी लें तो ये डिस्टेंस जो है 500 मीटर से तक होगी। तो 500 मीटर तक का जो रेडियस है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या जी? डेंजर जोन।
इस डेंजर जोन के अंदर से सभी व्यक्तियों को बाहर कर लेना है जब आप चार्जिंग ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं। चार्जिंग ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं तो इसको आपको इनके इंट्रेंसेस पर जितने हैं उन एंट्रेंसेस पर जो है आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों। तो ये डेंजर जोन कहलाता है जिसके अंदर वाइब्रेशन होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ जो इस रेगुलेशन में तो मेंशन नहीं किया है दोस्तों, लेकिन हमारे जो माइंस के जो सॉफ्ट तैयार करते हैं यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करते हैं ब्लास्टिंग के संबंध में, उसमें ये कहा जाता है कि इस ब्लास्टिंग पैच के जो 50 मीटर के रेडियस में, 50 मीटर इधर भी 50 मीटर इधर भी यानी कि चारों तरफ जितने इंट्रेंसेस है उन सभी इंट्रेंसेस पर लाल झंडा लगाया जाएगा दोस्तों। लाल झंडा, रेड फ्लैग लगाए जाएंगे, लाल झंडा लगाया जाएगा दोस्तों। और इसके चारों ओर जो एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये रेड फ्लैग वाली जोन हो गई, और ये जो दूसरी होती है 150 मीटर कहलाती है, 150 मीटर कहलाती है, और इस 150 मीटर के रेडियस से सभी इक्विपमेंट, सभी पर्संस को बाहर निकाल दिया जाता है चार्जिंग और ब्लास्टिंग के पहले। और जब हम लोगों को ब्लास्टिंग करनी रहती है तो एक सेफ शेल्टर के अंदर, एक जो मजबूत शेल्टर होती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और उनके सहयोगी रही रहते हैं, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता है, वहां से ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं दोस्तों। तो ये ब्लास्टिंग पैच के चारों ओर डेंजर जोन, रेड फ्लैग जोन और मशीनरी निकालने वाली, पर्सन को बाहर करने वाली जोन अलग अलग रहती है, जिसकी चर्चा हम लोग ये कह दिए शेल्टर ये है। तो ये अलग अलग जोन हो गई, डेंजर जोन और रेड फ्लैग जोन और मशीनरी पर्सन को बाहर निकालने वाली जोन। तो इसके संबंध में हमारा टेकिंग शेल्टर जो कानून कहता है उसके अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ये इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कहता है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें से आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन होगी किसके लिए, टेकिंग शेल्टर के लिए 9 मीटर या 9 मीटर से कम। ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कहता है, एयर बर्न डस्ट सर्वे इज डन इन विच पीरियड। दोस्तों जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, जिसकी पूरी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें जो हमारा दिया गया वीडियो होता है तीसरे नंबर का सब रेगुलेशन, उसकी चर्चा करके मैं यहां पर लिख दिया हूं। जो 23-8 का वीडियो था, जो 21 मिनट 41 सेकंड की वीडियो थी, इसमें प्रश्न एक पूछी गई थी, फिर से दोबारा एक प्रश्न पूछी गई है। तो एयरबर्न डस्ट सर्वे जो की जाती है वो कितने पीरियड के इंटरवल में की जाती है, तो एक महीने के वंस इन एवरी मंथ, आपको याद रखना है दोस्तों। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, जिसकी जिक्र हम लोग कर चुके हैं पिछले 23-8 वाले वीडियो में जो 21 मिनट 41 सेकंड की है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं दोस्तों। यहां पर जो आपका प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वर्टिकल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का रेशियो पूछा है दोस्तों। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों। ये विनिंग एंड वर्किंग या फिर जो सेकंड क्लास के दोस्त हैं या फिर फर्स्ट क्लास वाले जो दोस्त हैं जो विनिंग एंड वर्किंग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको अच्छे से समझना होगा। या तो जो 11th 12th में पढ़ाई किए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसकी जो है बात करना होगा दोस्तों। यहां पर जो स्ट्रेन होती है, सबसे पहले स्ट्रेन समझ लेते हैं, STRAIN स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होती है वो लेंथ में जो परिवर्तन होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गई स्ट्रेन की परिभाषा। अब हम लोग अगर स्ट्रेस की परिभाषा कहें दोस्तों, स्ट्रेस
स्ट्रेस जिसको प्रतिबल भी कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अगर कहेंगे दोस्तों तो स्ट्रेस जो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर हम लोग अगर इसकी स्ट्रेन के साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर जोड़ दें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि लंबाई, अगर आपका जो रस्सा है गाइड रोप है, गाइड रोप यानी कि जो केज को गाइड देने के लिए साफ्ट में रोप लटकी होती है वो गाइड रोप कहलाती है दोस्तों, ये है गाइड रोप, GUIDE गाइड रोप यूज्ड इन साफ्ट फॉर GUI गाइडिंग केज। ये गाइड रोप है दोस्तों जो साफ्ट में लटकी रहती है, जो कि केज के चारों कॉर्नर्स पर, केज के चारों कॉर्नर्स पर जो है ये लगी रहती है और इसके साथ चीज वेट लगा रहता है, चीज वेट यानी कि भार से इसको जो है लटका करके रखे रहते हैं दोस्तों। ये जो गाइड रोप है लंबे समय तक टंगी हुई रहती है, जिसके ऊपर तनाव लंबाई के में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो चेंज इन लेंथ, कुछ न कुछ इसकी लंबाई में चेंज हो जाती है दोस्तों। मान के चलिए कि पहले ये थी और इसकी लंबाई जो है बढ़ करके ये हो गई, इतनी बढ़ गई, तो ये जो लंबाई बढ़ी इसको हम लोग डेल एल कहते हैं और ये जो लंबाई है जो कि ओरिजिनल लेंथ है इसको हम लोग एल कह रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ यानी कि इसी को फॉर्मूला के रूप में कहें तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको यहां पर सिंबल के रूप में दिखा रहा है एप्साइलन एलओजी, एप्साइलन एलओजी, चेंज इन लेंथ कितनी हो गई डेल एल और ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई स्मॉल एल। तो ये हो गई आपकी क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसकी एप्साइलन लॉग लॉन्गी कर सकते हैं और बराबर डेल एल बटे में एल फॉर्मूला आपको याद रखना दोस्तों। ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। यहां पर हम लोग जो वर्ड है लेटरल स्ट्रेन उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेस के ऊपर आते हैं। लेटरल स्ट्रेन ये जो यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, रस्सी की जो ये क्रॉस सेक्शन है यानी कि डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रोप, गाइड रोप या रोप, इसकी लंबाई क्या होगी दोस्ती, ये खिंचा रही है तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी दोस्तों। मैं ये मान चलिए ओरिजिनल दर्शा दर हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने के लिए कि ये जो है ओरिजिनल लेंथ है, ये सॉरी ये जो है ओरिजिनल चौड़ाई है और खिंचा करके अब बची कितनी है तो इतनी बची है। तो ये डायमीटर ऑफ रोप जो ओरिजिनल थी वो पहले ये थी, लेकिन खिंचा करके उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर डायमीटर से संबंधित लेटरल जो इसको टेंजेंशियल भी कहते हैं उससे संबंधित हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो चेंज इन डायमीटर बटे में ओरिजिनल डायमीटर की बात करेंगे। तो यहां पर अब टेंजेंशियल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं, लेटरल स्ट्रेन जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, इसकी जो है चेंज इन डायमीटर या विड्थ, चेंज इन विड्थ या डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर या विड्थ। यहां पर अगर ये जो ओरिजिनल है स्मॉल डी है और जो चेंज इन डायमीटर हो गई वो डेल डी है, चेंज इन डायमीटर डेल डी है, तो ये डेल
डी अपॉन स्मॉल डी हो गई, जो कि लिटिल स्ट्रेंथ को हम लोग एप्सिलॉन एलएटी से दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, लेटरल स्ट्रेंथ, ये दोनों को आपको समझना है। खास करके हमारे माइंस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर तनाव पड़ती है या कंप्रेशन पड़ती है तो उसके साइज में डिफॉर्मेशन होता है, तो उसके जो साइज में डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम लोग अलग अलग नाम से, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, टेंजेंशियल, अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं दोस्तों। अब यहां पे जो तीसरी वर्ड है वो है स्ट्रेस, जिसको वर्टिकल स्ट्रेस भी कहते हैं। वर्टिकल स्ट्रेस दिया हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेस। यहां पर दोस्तों मैं आपकी फिर से चर्चा करना चाहता हूं कि इसको परिभाषा जो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। किसकी फोर्स दोस्तों? जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग गैलरी ड्राइव किए रहते हैं दोस्तों, गैलरी जो ड्राइव किए रहते हैं, ये देखिए एक गैलरी है, मान के चलिए ये 4 मीटर चौड़ाई की है और जो अपना 4 मीटर लंबाई की है, एक पिलर के में हम बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई जो है 4 मीटर की है, लंबाई हम लोग ले लेते हैं इसकी, ये मान के चलिए 40 मीटर है और ये जो चौड़ाई है आपका 40 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये आपका एरिया हो गई। किसकी? अंडरग्राउंड गैलरी की, अंडरग्राउंड गैलरी की। यहां पर आपका अगला जंक्शन है, ये एरिया दिख रही है और इस एरिया के ऊपर ये हो गई प्लान। और इसके सेक्शन की बात करें दोस्तों तो सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इसके ऊपर रूफ रॉक रहता है दोस्तों, रूफ रॉक, ये हो गई सेक्शन। सेक्शन यानी कि सामने से दिखाई देने पर कैसा दिखाई देता है, तो ये रूफ रॉक है, रूफ रॉक है जो क्या डाल रहा है, वर्टिकल फोर्स डाल रहा है, वर्टिकल फोर्स डाल रहा है, ये है रूफ रॉक का वर्टिकल फोर्स। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसके ऊपर डाल रहा है? गैलरी के ऊपर डाल रहा है दोस्तों। यहां पर आपको ये अलग अलग है, ये सेक्शन है और ये प्लान है, तो इसकी जो एरिया होगी, किसकी? अपना जो गैलरी का साइज है जिसमें 40 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई, इसमें जो है जो रूफ रॉक है कितना वर्टिकल एरिया, वर्टिकल फोर्स अपलोड कर रहा है, तो ये आपकी वर्टिकल स्ट्रेस जो हो गई, वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड बटे में जो एरिया है, पर यूनिट एरिया, एरिया इसको मिटाता हूं दोस्तों, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपका वर्टिकल स्ट्रेस पर जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो एरिया हो गई, इसको मिटा दें दोस्तों, क्लिक लेना हो क्लिक ले सकते हैं, ये टर्म्स आपको समझना होगा तभी जो है आप रॉक मैकेनिक्स की जो अपना क्या जो विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाले दोस्त, यहां तक कि माइनिंग सरदार ओवरमैन वाले दोस्त अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका जो खदान के अंदर बहुत सारे लोड आते हैं जिसके चलते डिफॉर्मेशन होता है, तो उस पर हम लोग मिटाए दोस्तों। तो ये वर्टिकल स्ट्रेस को थोड़ी समझना है फॉर्मूले के रूप में, ये हम लेटरल स्ट्रेंथ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ को मिटाते रहा हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो आपकी वर्टिकल स्ट्रेस है, जो वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड, वर्टिकल स्ट्रेस जिसको हम लोग सिंबल वी से दर्शाते हैं इस तरीके से, सिग्मा डी से वर्टिकल स्ट्रेस बराबर वर्टिकल लोड, जो वो रूफ रॉक का लोड था वो टन पर मीटर स्क्वायर में देते हैं, वर्टिकल लोड जिसको हम लोग वर्टिकल लोड कहेंगे, और ये जो अपना एरिया है, एरिया, एरिया जिसको हम लोग कैपिटल ए से दर्शा देते हैं इन मीटर, एक मीटर स्क्वायर, तो ये टन में रहेगी जो अपना यहां मीटर स्क्वायर अपना
फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, टन में रहेगी वर्टिकल लोड और ये जो है एरिया जो कि अपना ये वी लोड क्या है, यहां पर आपको लिख देते हैं वी लोड वर्टिकल लोड ऑन गैलरी बाय रूफ रॉक और एरिया क्या हो गई, एरिया ऑफ गैलरी, एरिया ऑफ गैलरी जो कि कितनी है अपनी गैलरी है 40 मीटर लंबाई का और इंटू 4 मीटर चौड़ाई है। तो ये हो गई आपकी जो क्या है नीचे में है हाँ आ रहा हूं ठीक है। हाँ दोस्तों तो ये जो अपनी एरिया है एरिया ऑफ गैलरी जो कि अपना 40x4 मीटर हो गई, तो आप वर्टिकल लोड जो रूफ रॉक द्वारा जो डाला जा रहा है अगर वो मान के चलिए जो कि अपने लोग निकालते हैं अगर उसके द्वारा जो लोड डाल रहा है 400 टन की दिया जा रहा है और ये जो है एरिया अपना आ रहा है 40x4 यानी कि 4×16 160 मीटर इस बार, तो इसको डिवाइड करके या 4000 टन आ रहा है तो इसको डिवाइड करके आप जो है निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, वर्टिकल स्ट्रेस की। दोस्तों ये वर्टिकल स्ट्रेस आप लोग समझ गए होंगे, वर्टिकल लोड अपॉन एरिया जिस एरिया पर वो लोड आ रही है। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो अपना फेस है जो साइड्स है जिसकी बात करते हैं इसी गैलरी में साइड की, तो साइड जो होती है वो मान के चलिए ये है और पहले ये थी और जैसे ही ऊपर का लोड बढ़ा तो इसका जो हो गई वो दबने की कर चलते ये जो है आपकी फूल गई है यानी कि डिफॉर्म हो गई है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लोड जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बराबर जिसको हम लोग सिग्मा एच से डिनोट करते हैं तो सिग्मा एच जो हो गई वो क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लोड बटे में एरिया, कौन सी एरिया जिसके ऊपर लोड वो पड़ रही है, इसको भी हम लोग टन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेंटीमीटर